हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज आदिशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को इन दिस सीयूईटी के एमसीक्यूज वाली सीरीज। सो विदाउट फर्दर एडियू लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे आ सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड, इसकी हु डिलीवर्ड द फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच ऑन द नाइट ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, एंड इसका आंसर इज वेरी इजी। जवाहरलाल नेहरू जी थे जिन्होंने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच दी थी ऑन द नाइट ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे वेरी कॉमनली नोन फैक्ट, बट कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, सो हम लोग इधर केयरफुल रहेंगे कि यहाँ पे हमारे मार्क्स ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वॉट वर द टू मेन गोल्स अग्रीड अपॉन बाय द मोस्ट वॉइसेस इन इंडियाज नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मिलिटरी एक्सपेंशन, बी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड सोशल जस्टिस, सी कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड रिलीजियस यूनिटी, डी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इंटरनेशनल अलायंसेस। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कहीं पे वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखा आपके एनसीईआरटी में, दिस इज मोर इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन। आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि दो ऐसी चीजें थी जो वो लोगों ने एक साथ यूनानिमसली डिसाइड किया कि हाँ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स विच वी विल फॉलो, बट इन गोल्स को एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं लिखा था, वो आपको यहाँ पे आंसर में ढूंढना है। एंड इसका आंसर इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, मिलिट्री एक्सपेंशन तो ऑब्वियसली नहीं बात कर रहे थे, इंटरनेशनल अलायंसेस से तो हम इनफैक्ट दूर जा रहे थे क्योंकि हमने नाम बनाया था। एज फार एज कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड रिलीजियस यूनिटी की बात है, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, रिलीजियस यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली पार्टीशन हुआ था, बट इन रिस्पॉन्स विद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड सोशल जस्टिस दैट इज अ बेटर आंसर। ठीक है, दीज वर आर टू प्राइमरी कंसर्न विद डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस लाने का। सोशल जस्टिस इज बेसिकली गवर्नमेंट विच इज वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि वॉट अकंपनीड इंडिपेंडेंस इन 1947 मेकिंग इट अ टुमल्टुअस ईयर फॉर इंडिया। टुमल्टुअस का यहाँ पे मतलब हो जाता है समथिंग विच इज वेरी अनप्रेसिडेंटेड, हमें पता नहीं था, एंड उसकी वजह से काफी हम लोगों को ऊंच नीच देखने को मिलती है, काफी परेशानी होती है हमको। ठीक है, सो यहाँ पे हम बात करते हैं ए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बी कल्चरल रेनेसांस, सी अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डी पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर। एंड इसका आंसर इज अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, विच इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन जो देखने को मिला गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि वॉट वॉज द फर्स्ट एंड इमीडिएट चैलेंज विच वॉज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, आपके ऑप्शन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, शेपिंग अ यूनाइटेड येट डाइवर्स नेशन, एंड डी इज मिलिटरी एक्सपेंशन। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, आपका आंसर आ जाएगा शेपिंग अ यूनाइटेड येट डाइवर्स नेशन। ठीक है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस दैट वी वर फेस्ड विद। वाई? बिकॉज अभी अभी पार्टीशन हुआ था एंड हम लोग ऑलरेडी काफी डिवाइडेड थे। द गवर्नमेंट वॉन्टेड कि ये जो डिविजन है हम लोगों के बीच ये और फर्दर डीप ना जाए एंड हम लोग एक दूसरे के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी डिड इंडिया अडॉप्ट? ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्ट डेमोक्रेसी अडॉप्ट की हमने, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, या फिर ऑलीगार्किक डेमोक्रेसी अडॉप्ट की? ठीक है, इसका आंसर इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है हमारे पास, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ऑटोक्रेटिक भी नहीं है, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है एक इंसान ऊपर रहता है। ऑलीगार्चिक भी नहीं है, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। जितने भी लोग हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं दीज आर रिप्रेजेंटेटिव जो हम इलेक्ट करते हैं, एंड दैट इज वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज द टर्म विच वी विल मेक श्योर दैट वी आर एडिंग जहां जहां पे हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री बाय फैज अहमद फैज। ठीक है, दिस इज एन एडिशनल क्वेश्चन, ये आपको फैज अहमद फैज के बारे में छोटा सा जो यहाँ पे साइड में पैराग्राफ से लिखा था, नॉट इवन अ पैराग्राफ, मतलब तीन चार सेंटेंसेज ही लिखे थे, वहां से मैंने उठाया है, बट यू नेवर नो, आपको सीयूईटी में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लें, इट इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, एंड दैट इज वाई आई पुट इट एज अ क्वेश्चन यहाँ पे। तो ए नक्शे फरियादी, बी दस्ते सबा, सी जिंदान नामा, या फिर डी गुलजार ए साबा। ठीक है, एंड इसका करेक्ट आंसर इज गुलजार ए साबा। दिस इज नॉट एनी कलेक्शन बाय फैज अहमद फैज, ये जो तीनों हैं दीज आर कलेक्शन बाय फैज अहमद फैज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि वॉट नोटेबल अवार्ड डिड अमृता प्रीतम रिसीव? ठीक है, ए भारत रत्न, बी साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री, जनानपति अवार्ड, सी आपका नोबेल प्राइज अवार्ड आ जाएगा लिटरेचर में, एंड डी आ जाएगा आपका पुलित्जर प्राइज। इसका करेक्ट आंसर इज बी साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री एंड जनानपति अवार्ड।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग याद करने के अगेन ये आपके एडिशनल क्वेश्चन में आ जाता है, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस देन इट्स फाइन, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि इन चीजों को भी बहुत अच्छे से पढ़े, काफी थॉरली रिविजन करें, ठीक है, बिकॉज दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर यू, एंड तभी मैं आपको छोटी छोटी जगह से भी उठा उठा के क्वेश्चन दे रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन हमेशा पूरी तरीके से थॉरल है, ठीक है. अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे बुरा नहीं फील करेंगे, विल कीप इन माइंड दिस वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन जिनको हम लोग ने यूजली सॉल्व नहीं करा है, वील मेक नोट ऑफ दिस एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट थ्योरी एडवांस बाय द मुस्लिम लीग लेड टू द डिमांड फॉर पाकिस्तान? ए द टू नेशन थ्योरी, सॉरी द वन नेशन थ्योरी, बी द टू नेशन थ्योरी, सी द यूनाइटेड नेशन थ्योरी, डी द इंडिपेंडेंट नेशन थ्योरी. एंड इसका आंसर इज द टू नेशन थ्योरी जो मुस्लिम लीग ने प्रपोज किया था एंड उसके वजह से पाकिस्तान का डिमांड का फाउंडेशन बना था वो. व्हाट वर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट लेड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना ऑप्शंस को. पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द 1930s, पॉलिटिकल कोलैबोरेशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, सी इज रोल ऑफ ब्रिटिश, एंड डी इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन द रीजन. इसका आंसर इज रोल ऑफ ब्रिटिश. यहाँ पे 1930s नहीं आएगा, 1940s आएगा. पॉलिटिकल कोलैबोरेशन नहीं, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी यहाँ पे आपकी कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में, एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो नहीं हो रहे थे यहाँ पे, ठीक है, ना ही उनका कुछ ऐसे रिलेशन है यहाँ पे पाकिस्तान के बनने से. यहाँ पे हमारा सही आंसर आ जाता है रोल ऑफ ब्रिटिश, जिन्हें हमें डिवाइड एंड रूल करके चले गए और एम्बिग्युअसली छोड़ दिया हमारे ऊपर कि यू नो आप ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर लीजिए अपने आप को कंट्री के बेसिस पे. सो ब्रिटिश जो थे उनका काफी बड़ा रोल था इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड इन द वायलेंस विच वॉज यू नो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन. विच प्रिंसिपल वॉज फॉलोड इन डिसाइडिंग द डिविजन ऑफ इंडिया इन टू इंडिया एंड पाकिस्तान? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे. लिंग्विस्टिक मेजोरिटीज, रिलीजियस मेजोरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज या फिर ट्राइबल मेजोरिटीज? अगेन दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे मैं भी बहुत ज्यादा ट्रिक कर जाती थी. सो एक बार अच्छे से सोचेंगे इसके बारे में. इसका राइट आंसर इज द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज. ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटीज से कंफ्यूज नहीं होना, प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज, एंड दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर दिस. इससे आप सोचोगे कि क्या फर्क पड़ता है, रिलीजियस मेजोरिटीज बोल दिया, रिलीजियस माइनॉरिटीज बोल दिया, एट द एंड ऑफ द डे तो मतलब वही बात हो रही है, पर फर्क पड़ता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो पूरा नाम है, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी वेरी डिटेल ओरिएंटेड एंड वेरी फोकस्ड इन आर अप्रोच. तो यहाँ पे हम इस पर बहुत ज्यादा फोकस करके आगे आंसर बनाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज पाकिस्तान्स टेरिटरी डिवाइडेड जियोग्राफिकली? ठीक है, इंटू थ्री टेरिटरीज, नॉर्थ साउथ एंड सेंट्रल पाकिस्तान, इंटू टू टेरिटरीज, वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, इंटू फोर टेरिटरीज, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ पाकिस्तान, या फिर इंटू मल्टीपल टेरिटरीज बेस्ड ऑन एथनिक लाइन्स? अगेन ये क्वेश्चन आपको आता है, कंफ्यूज मत होइए, ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए, ठीक है, इंटू थ्री इंटू फोर वगैरह मत देखिए, ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए, आप आराम से आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन. एंड इसका आंसर इज वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, बीच में हमारा इंडिया जाता है, बांग्लादेश जो उनको पहले ईस्ट पाकिस्तान बुलाया जाता था, तो यहाँ पे उनका डिविजन देखने को मिलता है. सो यहाँ पे पाकिस्तान की टेरिटरी पहले दो उसमें डिवाइडेड थी अप अंटिल 1971 दिसंबर. नाउ हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी? ठीक है, खान अब्दुल गफार खान, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू जी, या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? ठीक है, एंड इसमें हमारा आंसर इज खान अब्दुल गफार खान जी जो थे, ही इज नोन एज फ्रंटियर गांधी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच टू प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया हैड सिग्निफिकेंट एरियाज वेर नॉन मुस्लिम्स वर इन द मेजोरिटी? ठीक है, ऐसे कौन से दो प्रोविंसेस थे जहां पे नॉन मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे? पंजाब एंड असम, बंगाल एंड असम, पंजाब एंड बंगाल, बंगाल एंड बिहार? ठीक है, इसका आंसर आपको आता है, इसका आंसर इज पंजाब एंड बंगाल. ठीक है, पंजाब एंड बंगाल ऐसी जगह थी जहां पे नॉन मुस्लिम जो लोग थे वो मेजोरिटी में थे. व्हाट वाज द आउटकम फॉर माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर अमिडस्ट एस्केलेटिंग वायलेंस आफ्टर द पार्टीशन? ए दे वर एबल टू स्टे इन देयर होम सेफली, बी दे वर प्रोवाइडेड विद गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, सी दे वर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू लीव देयर होम्स, डी दे वर इंटीग्रेटेड इन टू द मेजोरिटी कम्युनिटी? इसका आंसर इज सी दे वर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू लीव देयर होम्स. ठीक है, वो अपने घर पे सेफली नहीं रह पाए थे, उनको अपने घर को छोड़ना ही पड़ गया था, यू नो द लैंड दैट दे हैड ओन्ड फॉर सो लॉन्ग, जहां पे वो
मतलब बहुत सालों से रहते आए हैं, उनकी फैमिली वो उनको छोड़ना पड़ गया था। दे वो प्रोवाइडेड विद गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यू नो एकदम तुरंत तुरंत हो रहा था, गवर्नमेंट उतना एनैक्ट नहीं कर पाई थी, एंड वो इंटीग्रेट नहीं हुए थे मेजोरिटी कम्युनिटीज में। दोनों साइड पे जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज थी, दोनों ने काफी सफर किया था बिकॉज ऑफ मेजोरिटेरियन यू नो डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट फ्रेज हैव सर्वाइवर्स ऑफ पार्टीशन यूज्ड टू डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंस? ए अ यूनियन ऑफ हार्ट्स, बी अ डिविजन ऑफ हार्ट्स, सी अ सेलिब्रेशन ऑफ यूनिटी, या फिर डी अ सिंबल ऑफ पीस? इसका आंसर ए बी अ डिविजन ऑफ हार्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ यूनियन नहीं हो रहा है, कुछ सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, कोई यूनिटी नहीं हो रही है, एंड डेफिनेटली इस टाइम पे पीस नहीं था। जो हुआ था वो हमारा जो एक हार्ट था उसका डिविजन हो जाता है, जस्ट लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान का डिविजन हुआ था ड्यूरिंग द पार्टीशन। सिटीज लाइक डैश डैश एंड डैश बिकेम डिवाइडेड इंटू कॉम्यूनल जोन्स। ठीक है, कॉम्युनल जोन्स की हम बात कर रहे हैं, तीन मेजर सिटीज का नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आप देखेंगे ये क्वेश्चन आता है। आपके ऑप्शंस हैं ए लाहौर मुंबई कोलकाता, बी अमृतसर लाहौर लखनऊ, सी कश्मीर लाहौर अमृतसर, या फिर डी अमृतसर लाहौर एंड कोलकाता। एंड आपका सही आंसर इज अमृतसर लाहौर एंड कोलकाता। ठीक है, ये याद रखेंगे, अमृतसर लाहौर एंड कोलकाता जो थे, दीज वर थ्री ऐसे सिटीज जो कॉम्युनल जोन्स बन गए थे, जहां पे आपको कॉम्युनलिज्म देखने को मिल रहा था कि रिलीजियस का यू नो अपने आप पे ज्यादा कंट्रोल डालना माइनॉरिटीज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया डिड द मुस्लिम पॉपुलेशन अकाउंट फॉर इन 1951? ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफी बार आप देखेंगे इधर उधर आपको देखने को मिलेगा, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ फिगर बेस्ड क्वेश्चन, ये काफी आपको सीवीटी में पूछा जा सकता है टू मेक श्योर आपने कितना इन डेप्थ पढ़ा है। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, ए 5%, बी 8%, सी 12% एंड डी 15%। इसका आंसर इज सी 12%। ठीक है, 12% मुस्लिम पॉपुलेशन हमारी यहाँ पे थी इंडिया में इन 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि वेयर वॉज महात्मा गांधी जी ऑन ऑगस्ट ऑफ 15, 1947? बेसिकली इंडिपेंडेंस के टाइम पे महात्मा गांधी जी कौन से सिटी में थे? ए न्यू दिल्ली में थे वो, बी मुंबई में थे वो, सी कोलकाता में थे वो, या डी वो लाहौर में थे? आपका आंसर आ जाता है वो कोलकाता में थे। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज आई थिंक बहुत लोगों को ऐसा परसेप्शन होता है कि गांधी जी वॉज देयर विद नेहरू जी जब वो वहां पे स्पीच दे रहे थे ट्रस्ट फॉर डेस्टिनी, ऐसा नहीं है, गांधी जी जो थे वो कोलकाता में थे उस टाइम पे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली गई थी। वॉट वॉज द आउटकम ऑफ महात्मा गांधी फास्ट इन दिल्ली इन जनवरी ऑफ 1948? ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें नोट करना है कि महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने फास्ट किया था दिल्ली में जनवरी ऑफ 1948 में। ठीक है, अब उसका आउटकम क्या था उस फास्ट का? ए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अग्रीड टू गिव पाकिस्तान इट्स फाइनेंशियल ड्यूज, बी द वायलेंस इन दिल्ली इंटेंसिफाइड, सी द मुस्लिम पॉपुलेशन फ्लेड टू पाकिस्तान, डी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिफ्यूज्ड टू एक्नॉलेज पाकिस्तान एग्जिस्टेंस। एंड इसका आंसर इज दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अग्रीड टू गिव पाकिस्तान इट्स फाइनेंशियल ड्यूज, जितने भी फाइनेंशियल ड्यूज थे, फाइनेंशियल वो थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ठीक है हम अग्री करते हैं, वी विल मेक दिस वर्क। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से हम इस पे देखेंगे। ऑल्सो आप इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, हो सकता है कि आपने ध्यान से ना पढ़ा हो या फिर आप भूल गए हो इस चीज को, एलिमिनेशन के तौर पे भी आप आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऑन विच डेट डिड नाथुराम विनायक गोडसे असैसिनेट महात्मा गांधी जी? ठीक है, चार डेट्स हैं आपके पास यहाँ पे, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, या फिर 2 अक्टूबर 1947? इसका आपका करेक्ट आंसर इज 30th of January 1948। ठीक है, 30th of January 1948 को गांधी जी की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आ सकता है इज हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर इन टोटल? ठीक है, जब इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारे को यहाँ पे जब डिविजन हो रहा था तो कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी हमारे पास टोटालिटी में? ए 365, बी 465, सी 565 एंड डी 665। ठीक है, बहुत क्लोज फिगर्स हैं, आप देखेंगे काफी इजीली इंसान कंफ्यूज हो सकता है इस चीज में, कंफ्यूज नहीं होना है, सांस लेना है, जो आंसर आपको पता है एंड आपको पता होगा, आपने बहुत बार पढ़ा है, एंड द करेक्ट आंसर इज 565 प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, फिर से आप यहाँ पे नंबर याद कर लीजिए, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन एक हमने 12% वाला किया था, ये 565 वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको जरूर पूछे जा सकते हैं।
या तो इस तौर पे पूछेंगे जैसे नॉर्मल एमसीक्यू फॉर्मेट में, या तो मैच द फॉलोइंग करके पूछेंगे। एनीवेज हमें क्लियर रहना है कि 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। व्हाट ऑप्शंस वर गिवन टू द प्रिंसली स्टेट्स रिगार्डिंग देयर फ्यूचर? चार ऑप्शंस हैं आपके पास। दे कुड जॉइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो तीन यहाँ पर चीजें आ गई, इंडिया, पाकिस्तान, रिमेन इंडिपेंडेंट। दे कुड ओनली जॉइन इंडिया, दे कुड ओनली जॉइन पाकिस्तान, या फिर दे हैड नो चॉइस एंड दे हैड टू जॉइन इंडिया। ठीक है, चार ऑप्शन है एंड इसका करेक्ट आंसर इज दे कुड जॉइन ईदर इंडिया, दे कुड जॉइन पाकिस्तान और दे कुड रिमेन इंडिपेंडेंट। हाउएवर दे प्लीज, दीज वर द ऑप्शन जो प्रिंसली स्टेट्स को प्रोवाइड करे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि व्हाट अनाउंसमेंट डिड हैदराबाद मेक द डे आफ्टर द ब्रिटिश अनाउंसमेंट रिगार्डिंग इट्स प्रिंसली रिगार्डिंग द प्रिंसली स्टेट्स? ए, इट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया। इट एक्सप्रेस्ड अ डिजायर टू जॉइन पाकिस्तान। इट एक्सप्रेस्ड अ डिजायर टू जॉइन इंडिया, या फिर इट डिक्लेयर्ड न्यूट्रैलिटी। एंड इसका करेक्ट आंसर इज दैट इट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया। उसने कहा कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट रहने का चॉइस है, वी विल रिमेन इंडिपेंडेंट, एंड दैट इज वॉट हैदराबाद डिड। Now the next question is, why were rulers like Nawab of Bhopal averse to joining the Constituent Assembly? Averse मतलब they did not want to join, ठीक है, उनको लगता था क्यों join करें? A, they feared losing their powers and privileges. B, they were supporters of the British rule. C, they believed in the principle of democracy. D, they were pressured by external forces. And इसका answer is they feared losing their power and privileges because they were skeptical एक तरीके से, ठीक है, उनको पता नहीं था कि constituent assembly सही से भी काम करेगी या नहीं, and that is why they were feared losing their power and privileges जो उनके पास थे as nawabs. Who played a critical role or historical role in negotiating with the rulers of princely states and bringing most of them into the Indian Union? A, महात्मा गांधी जी। B, जवाहरलाल नेहरू जी। C, सरदार पटेल जी। D, सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, चार ऑप्शंस आपके पास हैं। इसका आंसर आपको पता है, इट इज सरदार पटेल जी, हु इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड ही प्लेड अ वेरी हिस्टोरिकल रोल इन मेकिंग श्योर कि हमारी कंट्री यूनिफाइड रहे। ठीक है, तो उन्होंने कहा था प्रिंसली रूल स्टेट्स के पास गए, उन्होंने नेगोशिएट किया एंड दे इन्फ्लुएंस देम, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि प्लीज आप ज्वाइन करें इंडिया को। विच प्रिंसली स्टेट्स एक्सेशन प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट एंड रिक्वायर्ड अ प्लेबिसाइट टू रिजॉल्व द इशू? ए, हैदराबाद। बी, जूनागढ़। सी, कश्मीर एंड डी, मणिपुर। अब आप यहाँ पे देखो, सारे जो स्टेट्स हैं सबका जो इशू था वो काफी डिफिकल्ट था। यहाँ पे मैंने जितने ऑप्शंस दे दिए हैं सब में ही काफी डिफिकल्टी हुई थी व्हेन इट कम्स टू प्रिंसली स्टेट एक्सेशन। हाउएवर द कीवर्ड इन द क्वेश्चन जिस पे आपको फोकस करना है कि यहाँ पे प्लेबिसाइट कंडक्ट कराया गया था एंड इसका आंसर इज जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ में प्लेबिसाइट कंडक्ट कराया गया था फॉर द एक्सेशन का पर्पस। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये इशू रिजॉल्व हुआ था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डॉक्यूमेंट डिड मोस्ट ऑफ द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स साइन टू बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन? ठीक है, ए, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। बी, ट्रीटी ऑफ एनेक्सेशन। सी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड डी, अकॉर्ड ऑफ यूनियन। एंड इसका करेक्ट आंसर इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो इन्होंने साइन किया था फॉर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। विच प्रिंसली स्टेट्स एक्सेशन टू द इंडियन यूनियन प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट दैन द अदर्स? ए, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। ट्रावनकोर, मैसूर, बड़ौदा एंड भोपाल। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। इंदौर, ग्वालियर, बीकानेर एंड पटियाला। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, हमने ऊपर डिस्कस कर रखा है इस चीज को। सिंपल सा आंसर है, द आंसर इज जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। दीज वर द फोर मेन स्टेट्स जहां पे सबसे ज्यादा इश्यू हुआ था फॉर मेकिंग देम अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। हाउ मेनी स्मॉल स्टेट्स वर देयर इन टूडेज ओडिशा अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन? हमारे यहाँ पे जो भी पैराग्राफ अभी यहाँ पे गिवन है, पैराग्राफ बिकॉज हमको यहाँ पे गिवन नहीं है, वी आर जस्ट गोइंग टू आस्क आवरसेल्फ द सिंपल क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स वर देयर इन टुडेस ओडिशा उस टाइम पे। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अगेन वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो ये एक पैराग्राफ लिखा था, उसके एकदम एंड लाइन में कि सौराष्ट्र की बात हो रही है, ओडिशा की बात हो रही है, तो काफी एकदम ऐसा वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाता है। इफ यू विल गेट दिस क्वेश्चन रॉन्ग इट्स ओके, बट इफ यू विल गेट दिस क्वेश्चन राइट देन दैट्स वेरी गुड एंड कूडोज टू यू फॉर फोकसिंग सो मच इन योर एनसीईआरटी। आपके पास चार ऑप्शन है, एक 14 है, एक 26 है, एक 119 है एंड एक 143 है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन is 26.
ठीक है, देयर वर 26 स्टेट्स इन टुडेज ओडिशा उस टाइम पे। विच पोजिशन डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होल्ड इन इंडिपेंडेंस इंडिया गवर्नमेंट? ही वॉज आर प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज आर प्रेसिडेंट, ही वॉज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट होम मिनिस्टर, और ही वॉज द डिफेंस मिनिस्टर? इसका आंसर इज दैट ही वॉज द वेरी फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, दिस पोजिशन इज नो लॉन्गर अवेलेबल, एंड ही वॉज द वेरी फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको पोर्टफोलियोज पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट लोगों के। विच कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अ मेंबर ऑफ? इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड कल्चर, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा, फॉरेन रिलेशंस एंड ट्रेड? इसका आंसर इज ही वॉज अ मेंबर ऑफ कमिटीज ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये वाली चीजें जो थी वहां पे वो उन कमिटीज का पार्ट थे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके वहां पे छोटा सा जो बॉक्स होता है वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में वहां पे लिखा हुआ था, बट बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन दी एनसीईआरटी इट कैन डेफिनेटली कम एज अ क्वेश्चन एंड वी विल डेफिनेटली बी यू नो फोकसिंग ऑन इट एज वेल। वॉट वॉज द नेम ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्स अनलीस्ड बाय द निजाम ऑन द पीपल ऑफ हैदराबाद? ए सिपाही, बी जवान, सी रजाकार्स, डी मिलिटिया। अगेन इजी क्वेश्चन, इसका आंसर इज सी रजाकार्स, ये होते हैं आपकी पैरामिलिट्री फोर्स। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, थोड़े कीवर्ड्स होते हैं जहां पे हमको ध्यान देना होगा, पैरामिलिट्री फोर्स बाय द निजाम, रजाकार्स वो नाम था। विच अग्रीमेंट या फिर वॉट अग्रीमेंट डिड हैदराबाद एंटर इन टू विद इंडिया इन नवम्बर ऑफ 1947? इंपॉर्टेंट डेट, फिर से यहाँ पे फोकस डालिएगा, नवम्बर 1947। इंडिपेंडेंस अग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट, पार्टीशन अग्रीमेंट या फिर ऑटोनमी अग्रीमेंट? इसका आंसर स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट। अगेन स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट नवंबर ऑफ 1947। प्लीज मेक श्योर आप इन डेट्स पे भी ध्यान दे रहे हैं, इन डेट्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उल्टा करके भी पूछ सकते हैं स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट कब लागू हुआ था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको आपको मंथ भी याद है एंड आपको ईयर भी याद है, नवंबर ऑफ 1947। The Dash and the Hyderabad Congress were in the forefront of the movement against the Nizam's rule in Hyderabad. Nationalist Congress Party, Bharatiya Janata Party, Communists या फिर Indian National Congress? ये चार आपके options हैं, आपको इनमें से answer करना है। The correct answer is Communists. ये भी काफी important question है, ठीक है, आप make sure कीजिए कि आपको इसका answer याद रहे, अगर नहीं याद है तो इसका note बना दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कॉम्युनिस्ट थे जो हैदराबाद कांग्रेस के यहाँ पे साथ थे, इन द फोर फ्रंट ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट जो निजाम का रूल था हैदराबाद में। इन डैश ऑफ 1948 द इंडियन आर्मी मूव्ड इन टू कंट्रोल द निजाम्स फोर्सेस इन हैदराबाद। ठीक है, अगेन अ मंथ बेस्ड क्वेश्चन, तभी मैं कह रही हूँ मंथ पे भी हमें ध्यान देना है। अप्रैल ऑफ 1948, सेप्टेम्बर ऑफ 1948, August of 1948 या फिर November of 1948? And इसका correct answer is September of 1948 में जो Indian Army थी वहां पे move in किया उन्होंने to take control of निजाम की forces जो हैदराबाद में थी। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये टाइमलाइन कहीं अलग से बॉक्स में नहीं गिवन है, ये आपके मेन टेक्स्ट का पार्ट है, तो हमको ये ईयर और ये महीना और ईयर याद करना काफी जरूरी हो जाता है। The Maharaja of Manipur signed the instrument of accession with the Indian government on the assurance that the dash autonomy of Manipur would be maintained. External autonomy, internal autonomy, administrative autonomy या फिर political autonomy? Again a very tricky question. ठीक है, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं भी बहुत ज्यादा यू नो कंफ्यूज होती थी, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, पॉलिटिकल है, क्या हो सकता है? थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर इज इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर। ठीक है, इंटरनल ऑटोनॉमी के लिए उनको अश्योरेंस चाहिए थी, डू नॉट गेट कंफ्यूज, कीवर्ड्स पे हम लोग ध्यान देंगे, एक्सटर्नल इंटरनल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इंटरनल पे फोकस था, खुद की ऑटोनॉमी के ऊपर उनको फोकस था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग द महाराजा इंटू साइनिंग अ मर्जर अग्रीमेंट इन डैश ऑफ 1949। अगेन मर्जर अग्रीमेंट साइन हुआ 1949 में हुआ, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दोनों आपको बहुत सारे एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगी, बट महीना याद रखना आपके लिए जरूरी हो जाता है। चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर,
इसका करेक्ट आंसर इज अगेन सितंबर ऑफ 1949। ठीक है, सितंबर 1948 निजाम वाला हमने जब किया था इंडियन आर्मी, सितंबर ऑफ 1949 इज द मर्जर अग्रीमेंट जो महाराजा ऑफ मणिपुर हैड साइन। ठीक है, सितंबर ऑफ 1949। ईयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा, हम लोगों ने आपको ऑलरेडी एक्सेस भी दे रखा है, हमारा एक डॉक्यूमेंट था जहां पे हमने सारे ईयर्स को मेंशन कर रखा है। प्लीज 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 मेक श्योर कि आप उसको ढंग से देख रहे हैं। ईयर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आएंगे आपको सीयूईटी में, बिकॉज वो आपको चाहते हैं कंफ्यूज करने का, एंड हम कंफ्यूज होएंगे नहीं, तो यहाँ पे इन सब चीजों पे बहुत फोकस रखेंगे। व्हेन वाज द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट आंध्र स्टेट अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर? वेरी इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये आपको जरूर आ सकता है, काफी बार पूछा गया है, नॉट जस्ट इन सीयूईटी। आप देखेंगे आपके 1 मार्क्स जो आते थे पहले, टर्म 1 एग्जाम जो था हमारा, हर जगह कहीं ना कहीं इसका मेंशन आपको मिल जाएगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज आप इसको नोट कीजिएगा एंड मेक श्योर की यू आर गेटिंग दिस राइट। ऑगस्ट ऑफ 1947, दिसंबर ऑफ 1950, दिसंबर ऑफ 1952, जनवरी ऑफ 1955। आर करेक्ट आंसर इज दिसंबर of 1952. December of 1952, Andhra Pradesh becomes the very first state जहाँ पे separate state बनाया गया उसके लिए। Who went on an indefinite fast leading to his death after 56 days, causing unrest and violent outbursts in the Andhra region? A. महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, पोटी श्रीरामुलु जी, या फिर सरदार पटेल जी। ठीक है, चार हमारे पास options है। Very obvious answer. द आंसर इज पोटी श्रीरामुलु जी। ठीक है, जिन्होंने फास्ट किया था 56 डेज के लिए, उनकी डेथ हुई थी, काफी अनरेस्ट हुआ था, वायलेंट आउटबर्स्ट हुए थे आंध्र प्रदेश में, एंड फाइनली द गवर्नमेंट हैड टू केव इन एंड लिसन टू द डिमांड्स व्हिच वर बीइंग पोस्ट आफ्टर द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920। ठीक है, क्वेश्चन ये शुरू होता है आपके दो क्रिटिकल फैक्ट्स के साथ। नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 में हुआ था। लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल जो था वॉज कंसिडर्ड एज द बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ, क्रिएटिंग प्रोविजनल कांग्रेस कमेटीज बेस्ड ऑन डैश। अब ये क्वेश्चन में ही आंसर आपको दिख जाता है, बट वी विल एनी वे सॉल्व इट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन, रिलीजियस अफिलियशन, कल्चरल आइडेंटिटीज, या फिर लिंग्विस्टिक जोन्स। एंड योर करेक्ट आंसर इज लिंग्विस्टिक जोन्स। लिंग्विस्टिक जोन्स की बात होती है तब हम नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस को याद करते हैं जो टेक प्लेस किया गया था 1920 में। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर डिवाइडिंग रीजन्स। तो ये तीनों चीजें आप ध्यान से याद रखिएगा, नागपुर सेशन, लिंग्विस्टिक जोन, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ सकता है कि इन विच ईयर वॉज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड? आपके पास चार ऑप्शन है, 1947, 1953, 1956 एंड 1960। यहाँ पे हमारा करेक्ट जो आंसर निकल के आता है इस 1956। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था उसको पास किया जाता है। 1953 में ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी इसको अपॉइंट करते हैं, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 में हुआ था? आपके पास चार ऑप्शन है, 10 स्टेट्स 4 यूनियन टेरिटरीज, 12 स्टेट्स 5 यूनियन टेरिटरीज, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, 16 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इसका आंसर इज 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ऑलराइट, इसको हम कंफ्यूज नहीं होंगे, याद रखेंगे ये जो फिगर्स हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। आफ्टर अ पॉपुलर एजिटेशन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड इन डैश, कौन से साल में महाराष्ट्र एंड गुजरात की स्टेट्स को क्रिएट किया गया? ए 1956, बी 1960, सी 1966 एंड डी 1972। इसका करेक्ट आंसर इज बी 1960 में महाराष्ट्र एंड गुजरात जो है उनके नए स्टेट्स को फॉर्म किया जाता है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड जो थे उनको कौन से ईयर में क्रिएट करा गया? 1987, 2000, 1972 या फिर 1966। इसका करेक्ट आंसर इज दैट दे केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 2000। ठीक है, इन द ईयर 2000 यहाँ पे हमारे पास तीन न्यू स्टेट्स अराइज करके आते हैं। मेघालय वॉज कार्व्ड आउट ऑफ असम इन डैश, ठीक है, 1956, 1960, 1972 या फिर 1987। एंड यहाँ पे हमारा आंसर इज 1972। मेघालय को असम से निकाला गया था इन 1972,
कार्व्ड आउट यहाँ पे मतलब कि स्टेट को डिवीजन हुआ था। अगेन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, 1972 मेघालय असम हम लोग इसे करके याद करेंगे। अब हम लोग आते हैं कश्मीर वाले इशू पे। इससे पहले यहाँ पे जितने भी मैंने स्टेट्स को यहाँ पे डिस्कस किया ये तो इम्पोर्टेंट ही है, इसके अलावा भी आपको स्टेट्स के कहीं ना कहीं पे आपको मिल जाएंगे एमसीक्यूज, यू नो स्टेट्स के बारे में मिल जाएगा कि अच्छा ये स्टेट इस स्टेट से इस साल में बना था। सब पे हम फोकस करेंगे, सारे ईयर बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो आई एम ओनली हाईलाइटिंग द ईयर्स जो मैंने देख रखे हैं आते हुए बहुत बार, पर आपको हर क्वेश्चन को करके जाना है बिकॉज यू नेवर नो, सीयूईटी में कुछ भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो था उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था एक आर्टिकल के अंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल कौन सा था? ठीक है, 371, 377, 350 या फिर 370, एंड आर आंसर इज आर्टिकल 370 जो था, जिसके अंदर यहाँ पे जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ पे थ्री सोशल और पॉलिटिकल रीजन आते हैं उनके बारे में बताइए। जम्मू कश्मीर अरुणाचल, अमृतसर कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर एंड अमृतसर। हमारे यहाँ करेक्ट आंसर आ जाता है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये तीन सोशल और पॉलिटिकल रीजन है विद इन यू नो जम्मू कश्मीर। द पॉपुलर मूवमेंट इन द स्टेट लेड बाय द डैश ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द महाराजा बट वॉज अगेंस्ट ज्वाइनिंग पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं, शेख अब्दुल्ला, पंडित नेहरू, सरदार पटेल या फिर हरी सिंह। एंड आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है शेख अब्दुल्ला। ठीक है, ही वॉज यू नो वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द महाराजा बट वो पाकिस्तान को भी नहीं ज्वाइन करना चाहते थे। इन अक्टूबर ऑफ 1947, डेट्स पे ध्यान देंगे, पाकिस्तान सेंट डैश फ्रॉम इट्स साइड टू कैप्चर कश्मीर, आर्मी, ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स, नेवल ऑफिसर्स या फिर एयरफोर्स। एंड आर आंसर इज ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स, उन्होंने ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजा था अपने साइड से कश्मीर को कैप्चर करने के लिए। विच स्टेट डिड गुलाम मोहम्मद सादिक बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ? जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, गुजरात या फिर राजस्थान। एंड यहाँ पे आपका आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर इज योर करेक्ट आंसर। अब हम यहाँ पे बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, जहाँ पे हम असर्शन एंड रीजनिंग दोनों साथ साथ में करेंगे एंड लेट अस ट्राई टू आंसर दिस। आपको पता है कि चार आपके ऑप्शंस आते हैं, वही ऑप्शंस यूजुअली सेम पैटर्न में होते हैं बट दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज मत होना, कभी कभी वो ऊपर नीचे कर देते हैं ऑप्शंस को। ठीक है, क्योंकि हमें इतना आदत हो जाती है कि पहले ऑप्शन ही होगा कि हाँ बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो हम ए को ही क्लिक कर देते हैं, पर कभी कभी वो ऊपर नीचे कर देते हैं ऑप्शन को टू यू नो कन्फ्यूज अस थोड़ा सा। सो वहां पे देखना है अच्छे से कि कौन सा ऑप्शन है एंड तभी आंसर करना है। बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैंने जो टिपिकल आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है उन ऑप्शन का वही फॉलो किया है। असर्शन आपका कहता है कि जो निजाम है हैदराबाद के नेवर नेगोशिएटेड विद सरदार पटेल, ही वॉज नॉट एट ऑल अग्रीड टू एक्सेप्ट एनी ऑफर टू ज्वाइन इंडिया। रीजन इज कि जो निजाम थे ही वॉन्टेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर इज दैट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, उन्होंने नेवर नेगोशिएट तो नहीं किया था, नेगोशिएशन उन्होंने बिठाई थी। ठीक है, तभी हम कहेंगे असर्शन आपकी गलत है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज फॉर द पार्टीशन। रीजन हमारा यहाँ पे है कि द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन वॉज स्मूथ एंड नन ऑफ द वायलेंस टुक प्लेस। ओके, एंड इसका करेक्ट आंसर इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बिकॉज वी नो कि वायलेंस ने टेक प्लेस किया था एंड हमारा पर असर्शन जो है वो सही है बिकॉज अगेन प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज नॉट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। एक और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था, इधर आप सीधा आंसर देख सकते हैं बट तब भी हम लोग क्वेश्चन को देख लेंगे। ए द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो सेट आउट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी द वेलफेयर गोल्स जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अचीव करने चाहिए। रीजन की ऑन 14th एंड 15th ऑफ 1947 नॉट वन बट टू नेशन स्टेट्स केम इन टू एग्जिस्टेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये देखिए दो कंप्लीटली डिफरेंट सेंटेंसेस है, दोनों डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है पर दोनों सही है एंड तभी हमारा आंसर बी है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट हमारा जो आर है दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर योर असर्शन विच इज प्रोवाइडेड। विद दैट वी शैल एंड दिस सीयूईटी की वीडियो।
आई होप आपको यहाँ पे जितना भी डिस्कस किया हो वो सब आपको क्लियर हो गया हो। इधर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, जितने आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस भी दिया है इधर उधर से उठा उठा के, जिससे आपको थोड़ा ओवरऑल एक तरीके से होलिस्टिक अप्रोच से आप पढ़ सकें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो जो आप जिसको आपने देखा हो कहीं और एंड आप चाहते हैं उसका आंसर जानना, उसके लिए भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। एंड दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, प्लीज प्रिपेयर वेल। अगर कहीं भी आपको लगा हो कि आपने गलतियां बहुत ज्यादा की है, देन इट्स कम्प्लीटली ओके, अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है हमारे पास, हम उन गलतियों पे इम्प्रूव करेंगे। मेक श्योर आप अपनी गलतियों को स्क्रीनशॉट कर रहे हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन करते जा रहे हैं, सो दैट आप आगे जाके इन गलतियों को नहीं करते। दैट इज इट फ्रॉम माई एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सी यू अगेन द नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीयूईटी एग्जामिनेशन।